हम सबका समर्पण गंगा के साथ है। गंगा हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। यह कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। I like Jesus. You like Jesus? Okay. And I also like Shiva. वाओ ये लोग कौन है आपके? गुरु भाई। ये गुरु भाई, गुरु भाई चेला, चाची। अच्छा, पूरा परिवार है ना हमारा। अच्छा, पूरा परिवार है आपका। तो कितने समय से हैं आप इसमें? 30 साल। 30 साल हो गई। तो आपका अपना परिवार भी, शादी आदि की है आप? सब छोड़ गया। अच्छा, तो है भगवान से जुड़े हुए ना ममता, अपने आप साधु बनता। हाँ, अच्छा, ये जो भैया लोग हैं, ये नागा बाबा हैं, ये सब। हाँ। तो इनसे आपको कभी कोई समस्या तो नहीं हुई? का समस्या होगी? हाँ। भाई मान है, भाई चेली बनना है। चेली बनने में क्या क्या करते? अच्छा, वही सेवा है औरतों की? वही सेवा है औरतों की? वही सेवा है। इसका नाम पार्वती है। आप कौन है इनके? मैं शंकर, मेरा नाम शंकर दास है, मैं इसका गुरु हूँ। आप इनके गुरु हैं? जी, मैं मथुरा रहता हूँ। आप उनके गुरु, गुरु पिता हैं। अच्छा, तो कितनी उम्र से आप हैं इनके साथ, इनके सानिध्य में? 3 साल हुआ है अभी। 3 साल हुआ है। हाँ। अच्छा, तो कैसे क्या रहा, कैसे धर्म के प्रति आपकी इतना आकर्षण हुआ? ये एक तो पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा। हाँ, आपसे कैसे प्रभावित हुई ये? जब ये दुखी हुई। हाँ। और दुखी रहने लगी ब्रज में। हाँ। तो ये एक दिन अचानक 84 की परिक्रमा लगा रही थी। हाँ। 84 की परिक्रमा में ये आश्रम पर रुकी। बोले गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। तब से ये आप? तब से ये 3 साल हो गया सेवा कर रही, बरकरार कर रही है। बहुत बढ़िया। भजन करती है, आनंद लेती है। भजन करती है। हाँ। शादीशुदा है वैसे क्या? ये सब कुछ है। अच्छा अच्छा, छूट गई। सब घर परिवार सब कुछ फिट है। क्या नाम क्या है आपका? पार्वती। आप मत बोलिए जी, आपका नाम क्या है? नाम बता दे। अरे नाम बताने में क्या जा रहा है? ये आपने क्या बनाया है? ये स्वर्ग का मॉडल है। स्वर्ग का मॉडल? स्वर्ग का मॉडल है। तो कैसे पता कि यही स्वर्ग होगा? क्योंकि ईश्वर ने बताया हुआ है। किसमें? भगवान ने ना गीता में हमको बताया है कि मुझे आना होता है उस धर्म ग्लानी के समय, जब मैं आता हूँ आप सबको फिर से एक नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो उस दुनिया में ले जाने के लिए आता हूँ, एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ और उसके माध्यम से, उनके मुख से आपको सारा ज्ञान देता हूं। तो अभी कौन है जिसको देख के लगता है कि ये मनुष्य तन में आए हैं ईश्वर? ईश्वर मनुष्य तन का आधार लेकर आए हुए हैं, आप उनको ऐसे नहीं पहचान सकते। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समाए। और इसीलिए आपने प्रिंसिपलशिप छोड़ दी? हाँ। अरे वो बड़ी चीज नहीं है, माँ के शरण में रहना वो सबसे बड़ी चीज है। और क्या, कौन कौन से विषय में आपने पीजी किया था? म्यूजिक में किया,
हिस्ट्री में किया, सोशियोलॉजी में किया, लॉ किया। फिर धर्म को से ही क्यों जुड़े, कुछ और काम क्यों नहीं किए? तो धर्म में तो सब चीज आ जाती है। अच्छा अच्छा, धर्म में महिलाओं का को बड़ा द्वितीय स्थान है व्यवहारिक रूप से। वैसे तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा देवियां पूजी जाती हैं। हाँ। उसमें कैसे ऊपर तक आ पाएंगे, क्योंकि जो भी हैं वो ज्यादातर सेविकाओं के रूप में हैं, या कह लीजिए कि मेन तो गुरुजी ही हैं और फिर सेकेंडरी महिलाएं हैं। देखिए, पहली बात तो इसका विषय और कुछ है नहीं कि कैसे टॉप में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जो माँ भगवती की जो श्रद्धा है, या जो अपने इष्ट के प्रति जिसकी जो श्रद्धा, जैसे मैं तो माँ भगवती जगदम्बा की ही शरण में हूँ, उनकी जब कृपा हो जाती है तो जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ें संभव हो जाती हैं। कितना कुंभ देख लिए अभी तक? 12 कुंभ देख लिए हैं। अच्छा ये बताएं, पहले के ज़माने में कितनी औरतें थीं जो साध्वी बन पाती थीं और अब कितनी हैं? साधु कौन बने? कितना मैया तो महात्मा का चेला बन के पड़ा हुआ है, मंदिर पर पूजा आरती करता है। हाँ। पक्का बचपन से साधु बन गया। हाँ। वो लड़की दुआ करके चेला बन के पूजा सेवा करता है, रसोई बनाता है। हाँ। साधु को खिलाता है। अच्छा, तो किस उम्र से आप जुड़ गई? ये अखाड़े का नाम क्या है जिनसे आप जुड़ी हैं? अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय। अच्छा, उनमें श्रद्धा थी। हाँ, माता हाँ, पिताजी की। हाँ, तो फिर हम लोगों को भी जोड़ दिया गया। अच्छा, तो अब तो ये ऐसा हो गया कि फिर महाराज जी से जुड़ते जुड़ते भगवान के प्रति रुचि हो गई। अच्छा, तो फोर्थ क्लास में थे, 8 वर्ष की अवस्था थी, कथा करने लगे। अच्छा ये बताएं, आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं या मेरी उम्र की जो लड़कियां हैं, उनको क्यों किसी भी गुरु से जुड़ना चाहिए, क्यों उन्हें कथा सुननी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है, जो धर्म होता है, धर्म हमसे नहीं होता, हम धर्म से होते हैं। लड़कियों के लिए जाना बहुत जरूरी है कि अगर धर्म है तभी वो ये समझ पाते हैं ये सही है या गलत। तो अपनी अम्मा के सानिध्य में रहते हैं। अच्छा, क्योंकि अम्मा जो है वो यहाँ पे कई वर्षों से हैं। अम्मा तो अच्छा, तो अम्मा जी कई वर्षों से, ये हमारी ही नहीं बल्कि सारे पुरुषों की माँ है। अच्छा, हम तो इनके अच्छा, सुरक्षित हैं ही। अच्छा, बल्कि सभी की माँ है, सबकी और सबको इतना पेट भर के खिलाती है, अन्नपूर्णा है। जब तक सारे बच्चे इनके खा नहीं लेते हैं तब तक गुस्साती रहती है। और आपकी माता जी से बात की जाए? मैं तो खास अयोध्या का हूँ, अयोध्या में पाली गढ़ी। तो जब आप जुड़ी थी तो किस उम्र में जुड़ी थी, कितनी छोटी थी आप इनके बराबर थी? बचपन से जुड़ी मैं। बचपन से जुड़ी? अच्छा, शादीशुदा मैं हूँ, शादी नहीं हुई। शादी नहीं की ना? उनका सब हो चुका, संन्यास हो चुका है आपका। घर में बच्चे बढ़ते हैं ना, इससे आश्रम में बढ़ते। कैसे प्रेरित, कैसे हुई? दिमाग में आ गए अपने आप, शक्ति मन लग गया। अच्छा, ऐसी ही ये हैं? तो ये इकलौती ऐसी हैं या और भी लड़कियां आ रही हैं? और अभी और भी हैं। कोई शिष्या, कोई लड़की जो है कथावाचक बन जाती है तो उसका अनुसरण करने के लिए सहस्त्रों लड़कियां उस मैदान में कूद पड़ती हैं। हमारे जो किन्नर बहने हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, क्योंकि सोसाइटी ने हमेशा हमें अलग रखा है।
You are the single foreigner devotee there. So how do people see you, look at you? I don't know. And you never tried to know. You know, in form of sadhvi, what kind of role they gives you, guru and all, and what you actually felt, what is the perception and what is the reality? I don't know. As a foreigner, my guru treats me very good. Maybe if I was Indian, it would be totally different. अच्छा चलिए ये बताइए कितने साल हो गए आपको साधु बने हुए? बहुत हो गए. कितने? पता नहीं यार किसको है यार. 40-45. बहुत छोटी थी आप क्या? अच्छा. और उससे पहले शादी की थी या जब आप बिना शादी की तब बर्बादी हुई ना, मैं तो कहता हूँ. शादी की तो बर्बादी हुई तो फिर सोचा कि इधर आया जाए. अच्छा तो अच्छा ये बताया कि यहाँ आके जब आप नाम जपती हैं शिव का, ये शिव जी को मानती हैं ना, तो कैसा लगता है? क्या सुकून का ऐसा तो नहीं लगता है? दोबारा घर जाने का मन तो नहीं करता है? दोबारा घर जाने का मन? अच्छा नहीं दोबारा कैसे करेगा अब है? अब करेगा दोबारा घर जाने का मन? पूछ रही हूँ मैं कि करता है नहीं. अब तो उस घर जाना है जिस घर जो पक्का घर है. हाँ वहाँ जाना है. वहाँ जाना की तैयारी करनी है. हे मनमोहन, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे दामोदर कृष्ण मुरारी, हे नटनाग भूल गए क्या बिनती सुनकर, हे मन मोहन, हे करुणा कर, हे मुरलीधर, हे दामोदर कृष्णा मुरारी.